Hi guys, welcome to my YouTube channel Hedu Biotech. Today we are going to learn about biotechnology. आज हम इस वीडियो में ये लर्न करेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है और बायोटेक्नोलॉजी किस तरह का फील्ड है, क्या ब्रांच है और इसका क्या साइंटिफिक यूज है सोसाइटी के लिए, बाकी चीज़ों के लिए. ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कि नीट की प्रिपरेशन करते हैं. मैं बेसिकली नीट 11th 12th के बच्चे जो नीट की प्रिपरेशन करते हैं और उनको क्यूरियोसिटी रहती है कि नीट के अलावा और अदर ऑप्शंस क्या हैं जिसमें आप बायोलॉजी और अदर फील्ड के साथ साथ टेक्नोलॉजी और अदर थिंग्स को यूज कर सके. मोस्टली व्हेन देर अगर मेडिकल नहीं है तो अदर ऑप्शन क्या है मेडिकल से रिलेटेड और बायोलॉजी से रिलेटेड. तो उसी में बायोटेक्नोलॉजी भी एक ऐसा फील्ड है जिसमें हम लोग बात करेंगे कि ये क्या है. तो बायोटेक्नोलॉजी का मतलब है बायो एंड टेक्नोलॉजी. जब टेक्नोलॉजी को बायोलॉजी में ऐड कर दिया जाए उसे कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी. मीन्स द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर बायोलॉजी इज द बायोटेक्नोलॉजी. तो टेक्नोलॉजी का यूज करके बायोलॉजी को और इम्प्रूव करना और उसे और अच्छा बनाना और इस तरह से कि वो आगे सोसाइटी के ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज़ हो सके, उसी को कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी. इन सिंपल वे टेक्नोलॉजी इन बायोलॉजी. तो बेसिकली 12th के बच्चे जो BCB और BCM भी लेते हैं तो वो भी बायोटेक्नोलॉजी के कोर्स को कर सकते हैं. बायोटेक्नोलॉजी एक एडवांस प्रोफेशनल कोर्स है जिसमें कि बहुत सारे ब्रांचेस और सब ब्रांचेस हैं जिसे मिलके एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट बायोटेक्नोलॉजी बना है, जिसमें आपका मेडिकल भी आता है, आपका एनिमल भी आता है, प्लांट भी आता है, आपका एनवायरनमेंट भी आता है और हेल्थ केयर के बहुत सारे और डिवीजन भी आते हैं. तो बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली एक कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स है जिसमें आप BTech इन बायोटेक्नोलॉजी, BSc इन बायोटेक्नोलॉजी, MSc इन बायोटेक्नोलॉजी, MTech इन बायोटेक्नोलॉजी, इंटीग्रेटेड BTech एंड MTech इन बायोटेक्नोलॉजी और PhD इन बायोटेक्नोलॉजी, MPhil इन बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं. तो बेसिकली जो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं अबाउट मेडिकल फील्ड दे कैन चूज द मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी फील्ड एंड ऑल्सो इन बायोटेक्नोलॉजी मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी दे कैन टेक एज ए मोस्ट सब्जेक्टिव कोर्स. तो बायोटेक्नोलॉजी जनरली है क्या? तो वो एक तरह से अगर सिंपल वे में हम समझा जाए कि टेक्नोलॉजी को बायोलॉजी में कैसे यूज़ करें कि वो बहुत अच्छे से और अच्छा काम करे, अच्छी चीज़ यूज़ हो सके अच्छी तरह से. तो फॉर एग्जांपल आपने DNA, RNA और प्रोटीन और ये सब चीज़ें आप पढ़ते रहते हो, सुनते हो न्यूज़ में कि DNA बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सोर्स. तो अगर किसी का जीन बहुत ज़्यादा एक्टिव है किसी चीज़ के लिए और हमें उसे और ज़्यादा एक्टिव बना दे, ओवर एक्सप्रेस वगैरह कर दें, तो हमें उसका और ज़्यादा यूज़ और फल मिलेगा. जैसे कि एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स GMOs वगैरह और भी आते हैं, जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका किसी जीन को आपने जैसे किसी फल की वैरायटी है या किसी अनाज की वैरायटी है उसमें आपने उसके जीन को और ज़्यादा एक्सप्रेस कर दिया तो वो और अच्छी वैरायटी बनेगी और अच्छा ज़्यादा आपको प्रोडक्ट देगी, फल देगी. तो बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी में एक क्या करते हैं, इफ़ वी स्टडी मोस्टली अबाउट द इंजीनियरिंग पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी नोन एज जेनेटिक इंजीनियरिंग. तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की फॉर्म में हम समझते हैं कि एक किसी जीन को आपने इंजीनियर किया है जिसमें या तो आप किसी एक अच्छे जीन को जो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस कर सकता है उसको एक जीन को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र करें और उसका एक्टिविटी और उसका एक्सप्रेशन बहुत अच्छा हो जिससे कि वो आगे अच्छे से काम करे, उसे ही टेक्नोलॉजी को बायोटेक्नोलॉजी का यूज बोलते हैं. तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी यही होता है. आपने बहुत सारे फील्ड में पढ़ा होगा लाइक द BT कॉटन एक वैरायटी है, ये बहुत सारे कॉर्न की अच्छी वैरायटीज़ हैं
और भी बहुत सारे हेल्थ केयर में भी बहुत ज़्यादा बीमारियों से लड़ने के लिए कैंसर रिसर्च वगैरह में भी बायोटेक्नोलॉजी के टूल्स का और टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग भी यूज होती है, तो बहुत सारी थेरेपेटिक डेवलपमेंट्स में भी इसका यूज़ है। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है ये आपको समझ गए आपकी क्या है बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली। तो अब जैसे कुछ एग्जांपल लेके हम समझाते हैं, जैसे कि हेल्थ केयर सेक्टर में डायबिटीज़ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे कहते थे कि लाइलाज बीमारी है, तो एक डायबिटीज़ में क्या होता है कि शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और हमारे शरीर में एक हॉर्मोन होता है इंसुलिन, जिसकी आवश्यकता होती है हमारे शरीर को ताकि वह शुगर लेवल को हमारे मेंटेन रखे। तो कभी कभार इस बीमारी में जो इंसुलिन है वो हमारे शरीर में बनना बंद हो जाता है, क्षमता कम हो जाती है, तो इस कंडीशन में बाहर से इंसुलिन दिया जाता है। आपने मार्केट में इंजेक्शन्स वगैरह देखे होंगे। तो ये एक बहुत तरह का बायोटेक्नोलॉजी का ही एग्जांपल है, रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन, जिसमें कि पहले अगर आपको इंसुलिन कहीं से निकालना होता है, तो जैसे कि आप डिफरेंट बहुत सारे पिग्स को उनके पेंक्रियाज वगैरह से उनसे निकाल के फिर एक इंसुलिन का मुश्किल से अगर 1,000 पिग्स से 1 ग्राम इंसुलिन निकलता था, तो उस कंडीशन में आप 1 ग्राम इंसुलिन से कितने लोगों को इलाज कर पाओगे, जबकि रिक्वायरमेंट तो कई बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोगों के लिए है लाखों में। तो इसमें बायोटेक्नोलॉजी का रोल आया, जिसमें कि बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग करके एक रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन बनाया, जिसे ह्यूमिलिन भी बोलते हैं। जैसे कि हमने ह्यूमन के इंसुलिन के जीन को लिया, उस जीन को हमने एक छोटे से ईस्ट या बैक्टीरिया या छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में डाल दिया, जिसमें कि उसकी रेट, उसकी क्षमता जो थी बनाने की बहुत ज़्यादा बढ़ गई, कई गुना बढ़ गई, जिससे कि आपको वही 1 ग्राम से की जगह पर आपको 100 ग्राम, 1,000 ग्राम और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इंसुलिन आप दिन में बना सकते हो, जो कि आप कई बार महीनों सालों लग जाते थे। तो बायोटेक्नोलॉजी की वजह से इसका आपने एक एडवांसमेंट किया कि एक का जीन दूसरे जीन में डाल के उस जीन का एक्सप्रेशन बढ़ा दिया, और वो जीन से आपका जो प्रोटीन है, जो हार्मोन जो भी कुछ बन रहा है, वो इंसुलिन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। ऐसे ही आपने सुना होगा कि PCR, RT-PCR और बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो आजकल आ रही है, वो सब बायोटेक्नोलॉजी का ही पार्ट है। अभी नए एरा में तो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा फोकस है, जिसमें आप जेनेटिक इंजीनियरिंग टूल है, जीन एडिटिंग टूल है, जिसमें आप जीन को एडिट करके उसे किसी भी तरह से मॉडिफाई करके यूज़ कर सकते हो फॉर द बेटरमेंट ऑफ लाइफ और डिजीज बचाने के लिए किसी तरह से। तो इस तरह से बायोटेक्नोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत वैल्यूबल फील्ड और कोर्स है, जिससे आप बहुत जगह अप्लाई भी कर सकते हो। केवल से मेडिकल में नहीं, आप एग्रीकल्चर में, प्लांट में, एनिमल में, एनवायरनमेंट में, लाइक आजकल बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशंस और CO2 रिलीज हो रही है, तो बहुत सारे माइक्रोब्स को, बैक्टीरिया या सबको इंजीनियर करके उन पे कार्बन कैप्चर और भी प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट बायो प्रोडक्ट्स लाइक इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी इसमें आता है। जैसे कि आपने अपना बायोथेनॉल बहुत सुना होगा आजकल, बायोफ्यूल, बायोएनर्जी, बायोगैस, तो ये सब फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजीज और इंजीनियरिंग भी एक बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। इसमें आपका इम्यूनोलॉजी भी आता है, इसमें आपका मेडिकल के अलावा डायग्नोस्टिक भी आता है, और आपने पढ़ा होगा ये वैक्सीन डेवलपमेंट्स और ये सब इंजीनियरिंग, एंटीबॉडी इंजीनियरिंग, एंटीबॉडी इंटरेक्शंस और बहुत सारे ऐसे, जैसे कि आज कोरोना के टाइम पे आपको वैक्सीन टाइम से मिल पा रही है, और बहुत तरह की थेरेपेटिक्स लाइक mRNA थेरेपेटिक्स और नई डेवलपमेंट जो भी हैं, जिनसे बहुत कम समय में अच्छे इलाज हो सकते हैं और बहुत ज़िंदगी को बचाया जा सकता है। इस तरह से बायोटेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बायोलॉजी में एडवांसमेंट देती है, स्पेशली इन मेडिकल फील्ड। तो जो बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं मेडिकल में जाने के लिए और अदर ऑप्शंस भी ढूंढते हैं नीट या फिर MBBS के अलावा, तो उनके लिए मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत अच्छा फील्ड है, जिसमें कि अगर आप किसी ड्रग डेवलपमेंट में काम कर सकते हो, वैक्सीन डेवलपमेंट में काम कर सकते हो और बहुत सारी डिजीज़ में आप काम कर सकते हो, ट्यूबरक्लोसिस है, कैंसर है, उनके ट्रीटमेंट पे, उनके टारगेटेड जीन पे आप काम करके उसे और ज़्यादा बीमारी को रोक सकते हैं और उसका इलाज भी संभव कर सकते हैं। इस तरह से
सिंपल फॉर्म में बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत अच्छा, बहुत एडवांस और बहुत प्रोफेशनल फील्ड है, जिसमें कि आप ह्यूमन वेलफेयर, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए बहुत ज़्यादा अपना योगदान दे सकते हो। तो इसी को ही बायोटेक्नोलॉजी।